यह है दोस्तों मेरा गेमिंग और एडिटिंग चेयर, आप यहाँ देख ही सकते हैं, ग्रीन सोल लिखा हुआ है। हर कोई यूट्यूबर अभी इसी को सजेस्ट कर रहा है क्योंकि ये बजट कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको लेके मैं दुविधा में हूँ दोस्तों। लेकिन चलिए, खरीद लिया, जो खरीदा वो सही है कि गलत कुछ दिन बाद पता चलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इसका असेंबली आप देख लें और आखिर में कुछ बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, उसके ऊपर आप ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। तो ये सिंपल सा वीडियो को देखने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, अंत तक ज़रूर देखें, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो यह है दोस्तों ग्रीन सोल GS734UT गेमिंग या एडिटिंग चेयर, आप जो भी कहें। इसको अनबॉक्स या अनपैक करने के लिए कोई भी साफ चीज यूज मत करें, अंदर लेदर है, आप समझ ही सकते हैं। अब दोस्तों इस ग्रीन सोल चेयर को असेंबल करने के लिए आपको एक यूजर मैनुअल दिया जाएगा। आप पहले ही देख पा रहे होंगे ओपनिंग इंटरफेस इस तरह का आएगा, आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा यूजर मैनुअल। अब दोस्तों ग्रीन सोल चेयर को असेंबल करने के लिए बॉक्स के अंदर जितना भी एक्सेसरीज आपको दिया हुआ है एक एक करके आप साइड में रखें, फिर जो बॉक्स है उसको हटा के आप जगह बनाएं। आपको जो बेस एरिया है उसको पहले बनाना होगा। ये एक डिटेल्ड वीडियो है दोस्तों, इसको अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ फिलहाल आप देख ही पा रहे होंगे दोस्तों, बॉक्स कंटेंट का हर वो पार्ट को यहाँ निकाला जा रहा है, फिर बॉक्स को हटाया जा रहा है। इस बॉक्स के अंदर और एक बॉक्स आपको मिलेगा दोस्तों, जिसमें कुछ हार्डवेयर एक्सेसरीज दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ आप देख ही पा रहे होंगे, पहले जो आपको यहाँ मिलेगा एक लीवर दिया गया है, उसी के साथ साथ यहाँ आपको व्हील्स मिलने वाले हैं जो बेस के अंदर लगेगा। फिर यहाँ आप देख सकते हैं कुछ स्क्रूज, यहाँ एक और एक्सेसरीज है जो आप देख पा रहे होंगे। फिलहाल जब मैं इसको लगाऊंगा तब आप ये समझ पाएंगे। तो ये है आपके सामने बेस दोस्तों, इसके अंदर आपको व्हील को लगाना होगा। व्हील को आप अनपैक करें, फिर थोड़ा सा प्रेशर देके हर वो पोर्ट में आप व्हील को इस तरह लगा दें। अब दोस्तों आपको लीवर को इस तरह लगाना होगा, आप पहले ही देख पा रहे होंगे लीवर किस तरह का है। कुछ नहीं करना होगा दोस्तों, सिर्फ आपको लीवर को लगाना होगा। लीवर के ऊपर और एक एक्सेसरीज आपको दिया जाएगा दोस्तों, सिंपली आप उसको इस तरह पहना दें। अब दोस्तों ग्रीन सोल चेयर का सीटिंग एरिया को किसी फोम के ऊपर आप इस तरह रखें, फिर इसको आप उल्टा करें। उल्टा करने के बाद आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, आर्म रेस्ट को लगाने के लिए आपको यहां चार स्क्रू एरिया दिया हुआ है। फिर उसको आप असेंबल करने के लिए किसी स्टूल का यूज़ करें, उसको ऊपर इस तरह एक फोम लगाएं, फिर इसको इस तरह आप ऊंचा करें, क्योंकि आर्म रेस्ट थोड़ा सा ऊंचा है दोस्तों, उसको लगाने के लिए आपको इस तरह का स्टूल यूज़ करना ही होगा। आर्मरेस्ट कौन सा लेफ्ट कौन सा राइट है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, वह आपको मेंशन करता हुआ मिल जाएगा। फिर आप इस वीडियो में जिस तरह मैं असेंबल कर रहा हूँ उस तरह आपको असेंबल करना होगा। इस आर्मरेस्ट को टाइटन करने के लिए दोस्तों आपको स्क्रू दिया जाएगा, जिसका टाइप होने वाले हैं H, इसका क्वांटिटी होगा 12, इसको आप ध्यान में रखें। और दो तरीके का आपको स्क्रू यहाँ मिलेगा जो कि रेस्पेक्टिवली I और J होने वाले हैं। I और J कहाँ यूज होगा वीडियो चलते चलते आपको पता चल जाएगा। तो आर्मरेस्ट को टाइटन करने के लिए आपको चार स्क्रू वहाँ से निकाल लेना होगा, फिर आप देख सकते हैं इस तरह आपको टाइट कर लेना होगा। इस आर्मरेस्ट या हैंडल को टाइटन करने के लिए जो लीवर आपको यूज करना होगा, स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ आपको लाइव डेमो भी मिल रहा है मैं आर्मरेस्ट को किस तरह असेंबल कर रहा हूँ, फिलहाल इसको आप ध्यान से देख ले। स्क्रू लगाने का एक सिंपल सा रूल है दोस्तों, दोनों कॉर्नर आपको पहले लगाना होता है, फिर उसको टाइट भी उसी सिक्वेंस से करना होता है, तो यह फिक्स्ड और आपको परफेक्ट ग्रिप देगा। अब दोस्तों बॉक्स पैक में आपको एक आड़ा तिरछा एक्सेसरी मिलेगा जो कुछ हद तक फ्रॉग की तरह या ऑक्टोपस की तरह दिखता है। उसको दिखाए हुए प्रोसेस से और इंडिकेटर को फॉलो करके आप ठीक ठाक असेंबल कर लें। ग्रीन स्ट्रैप जिस तरफ होगा दोस्तों, आपको लीवर असेंबली जो होल होगा उसको उस तरफ रखना होगा। अब इस फ्रॉग मैकेनिज्म को सिटिंग एरिया के साथ टाइटन करने के लिए आपको जे टाइप की स्क्रू की ज़रूरत पड़ेगा, जो कि आपको कंटेंट में सिर्फ चार ही देखने को मिलेगा। और किस प्रोसेस को अप्लाई करके आपको इसको लगाना है या असेंबल करना है आप यहाँ देख के सीख ले दोस्तों, सिंपल सा प्रोसेस है। लेकिन स्क्रू टाइट के ऊपर जो पहले आपको प्रोसेस बताया गया था उसी को आप फॉलो करें। यह आपको ध्यान देना होगा, हर वो स्क्रू को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से टाइटन करना होगा।
यहाँ दोस्तों सिटिंग एरिया असेंबली कंप्लीट। अब इसको बेस एरिया के साथ सिंपली जोड़ देना होगा, ऊपर से उस होल वाले एरिया में इसको सिंपली आपको पहना देना होगा, या आप प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। आप ध्यान दें, थोड़ा सा एंगल करके आपको इसको पहनाना होगा, फिर ये ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा। प्रोसेस आप यहाँ देख पा रहे होंगे। सिटिंग एरिया और बेस एरिया को असेंबल करने के बाद एक बार आप बैठ के देख ले सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं। अब दोस्तों सिटिंग एरिया के साथ बैक पैनल या बैक रेस्ट को असेंबल करना होगा। उसके लिए आपको पहले इसको अनपैक करना होगा। सबसे बड़ा जो कंपोनेंट आपको मिलेगा ये बैक रेस्ट होने वाले हैं दोस्तों। इसको अनपैक करने के बाद यहाँ जो प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है दोस्तों, उस प्रोसेस को फॉलो करके आप इसको सिंपली इस तरह पहले लगा लें, फिर यहाँ आपको स्क्रू टाइट करना होगा। तो यहाँ दोस्तों आपको ठीक से पोजीशनिंग के बाद आपको दो यहाँ एच स्क्रू लगाना होगा। अब आपके पास सिर्फ दो एच स्क्रू बचे रहेंगे दोस्तों अदर साइड को टाइटन करने के लिए। यहाँ आप देख पा रहे होंगे दोस्तों आपको मेटलिक फ्रेम दिया जा रहा है। यहाँ लेदर और मेटलिक फ्रेम अगर ज़्यादा टाइट किया जाए तो वो कट सकता है, इसीलिए मेरा एक जुगाड़ है दोस्तों। ये किस चीज़ से बना हुआ है आप देख ही सकते हैं, यहाँ से ही वो फोम को काट के मैंने इस तरह का एक वसा जैसे कुछ बनाया है। किस तरह पोजीशन को ठीक करके सेलो टेप यूज करके इसको असेंबल किया जा रहा है दोस्तों, आप सिंपली इसको देख ले। ये सिंपली एक जुगाड़ है दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं तो मेटलिक फ्रेम के साथ अगर लेदर को आप ज़्यादा टाइट करते हैं तो लेदर कटने का बहुत ही संभावना रहता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये जुगाड़ मैंने बैठाया है दोस्तों। अगर चाहे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ना चाहे तो ये प्रोसेस को आप स्किप कर सकते हैं। सिंपली और दो जो एच आपको स्क्रू मिलेगा उससे आप इसको टाइट कर सकते हैं। बैकरेस्ट और सिटिंग एरिया जंक्शन को कवर अप करने के लिए ये दो एक्सेसरी आपको दिया जा रहा है दोस्तों। सिंपल सा काम है दोस्तों, आपको सिर्फ इस तरह इसको पहनाना होगा, फिर आपको यहाँ आई टाइप जो आपको स्क्रू मिलेगा उसको यहाँ लगाना होगा। ये है आई टाइप स्क्रू, ये आपको सिर्फ दो ही मिलेगा और इस लीवर से आप उसको टाइट कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं स्क्रू ड्राइवर को यूज़ करना तो यहाँ आप स्क्रू ड्राइवर यूज़ करके इसको टाइट कर पाएंगे। यहाँ दोस्तों दो छोटे छोटे आपको प्लास्टिक कवर मिलेगा दोस्तों, किस तरह इसको आप लगाएंगे यहाँ आप देख सकते हैं। अब ग्रीन सोल एडिटिंग चेयर असेंबली लगभग कंप्लीट दोस्तों। अब आपको बैकरेस्ट पिलो लगाना होगा, सिंपल सा काम है दोस्तों। आपको यहाँ क्लिप जैसा कुछ मिलेगा, इसको पहले आपको अनक्लिप करना होगा, फिर नीचे से आप इसको पहना सकते हैं। प्रोसेस किस तरह का होगा आप यहाँ देख ही पा रहे होंगे दोस्तों। आपको इस तरह पीछे करना होगा, फिर थोड़ा सा प्रेशर दे के क्लिप जो दो होगा उसको आपको निकाल के इस तरह रखना होगा। अगर और कोई साथ में हो तो ये करना थोड़ा सा ईजी रहता है। ऊपर जो दो क्लिप होगा दोस्तों उसको इस तरह आपको टाइट करके लेके फिर इस तरह इसको क्लिप करना होगा। एक अगर आदमी कर रहा है तो थोड़ा सा ये मुश्किल है, किसी का हेल्प यहाँ आप ले सकते हैं। अब इस चेयर में नेक पिलो असेंबली की बारी दोस्तों। सिंपल सा चीज़ है, आपको पीछे से इस तरह इसको पहना देना होगा। बैक लुक कुछ इस तरह दिखेगा दोस्तों। इसी पोजीशन में आपको नेक पिलो को इस तरह लगा देना होगा। आपका काम ख़त्म। ये देखिए आपका पूरा एडिटिंग या गेमिंग चेयर रेडी है दोस्तों, जो कि ग्रीन सोल की तरफ से आ रहा है GS734UT। चेयर में यूज किया गया मटेरियल की कुछ क्लोज लुक आप यहां देख सकते हैं दोस्तों। ये है इसमें यूज किया गया मटेरियल का लुक। पीछे आपको लेदर देखने को मिल जाएगा, यहां देख सकते हैं ब्रीदेबल मटेरियल जिसे कहा जा रहा है। लॉन्ग टर्म अगर आप गेमिंग करते हैं या एडिटिंग करते हैं तो इसमें आपको गर्मी फील नहीं होने वाला, इसी तरह का कंपनी का डिमांड है। फिलहाल लॉन्ग टर्म रिव्यू आपको कुछ दिन के बाद मिलेगा, इसका प्रोज और कॉन्स के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये था दोस्तों इसका असेंबली वीडियो। लेकिन मेरा जो कन्फ्यूशन या दुविधा है, इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर देना क्या सही हुआ, मैं इसको लेके बहुत ही कन्फ्यूज हूँ दोस्तों। तो ओपिनियन देके ज़रूर हेल्प कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। चलिए और बकबक ना करते हुए वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करते हैं।